नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो आज हम खोज में निकले हैं एक बगौत के ऐसे प्राचीन वृक्ष जो बगौत के इतिहास का सबसे बड़ा वृक्ष है, और आप देख सकते हैं हमारे सामने है, और इसमें हम खोज करेंगे भूरी चाटी का, जो कि बगौत के इतिहास के सबसे भूरी चाटी है, जो चाबने के बाद खतरनाक मालिश करना पड़ता है। और हमारे साथी है हमारे साथ रेख राम, उनसे बात करेंगे इस बारे में, कुछ पेड़ के इतिहास के बारे में कुछ बातें बताएं हमारे दर्शकों को। हम लोग जिंदगी में ऐसा करना चाहते थे कि जिससे दुनिया वाले हमारे हमारे कामों से ना याद करें, इसलिए हम इस दर्दनाक और भारी भयंकर पेड़ के पास आए हैं। तो हम लोग ये अपनी जान जोखिम में डालकर इस पेड़ में चढ़ने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, यदि हमें कुछ हो जाता है तो भी आप देखना जारी रखिएगा। देखते हैं, हमारी भूरी चाटी बारे में दर्शकों को कुछ बताएं, कितने खतरनाक है ये भूरी चांटी। बहुत ही खतरनाक कीड़ा है ये, पहले पैर में घुसता है और जांघ कोती होते हुए आंखी तो नहीं आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जान जोखिम में डाल के भी चढ़ने वाले हैं। दूसरा कुछ और इस पेड़ के बाद क्या ख्याल है, इतने बड़े वृक्ष हैं कैसे चढ़ पाएंगे आप? कहा जाता है कि अभी तक 50 से 60 लोग यहाँ चढ़ने की कोशिश में लगे थे, चढ़ चुके हैं लेकिन मर गए हैं। जैसे स्वर्गीय चुम्मनलाल साहू है, स्वर्गीय मेघराज साहू जी है, ज्ञानलाल विश्वकर्मा जी है, ये हमारे जाबाज सिपाही थे जो इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे और चढ़ते हुए शहीद हो गए थे। इनके परिवार वालों को सवा का ठान दिया गया है। और इस पेड़ पर विनोद कुमार तावड़े चढ़े थे, उसके बारे में क्या ख्याल है? जी वो लालच के मारे चढ़े थे, उसको शायद ये जानकारी मिली थी कि इसमें आमा फरता है तो आमा के लालच में चढ़े थे। तो हम लोग आमा की लालच में नहीं चढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ खोज करने के लाए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना अभियान जारी करते हैं, शुरू करते हैं। कृपया हमारे दर्शकों की ओर भी ले जाएं, मत ले। तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान हमारे पेड़ पर चढ़ने पर लगाएं। चलो देखिए कदम से चढ़ेंगे। ये बहुत के इतिहास का सबसे बड़ा पिच, यहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं और आखिर पेड़ के लिए फीलिंग। अनिल से कुछ कमेंट कर। वहां था वहां था ये, हाँ मैं कैसे धरूं पाछू से गोल ही नहीं भैया की जगह नहीं ना, मैं चढ़ जाऊं चढ़ना। कैमरा कहाँ है, मैं खींचना है। देख रहे राम मेरे दोस्त है यार, चाटी जान कहाँ है तक भाग दे अंडा घोड़ा खा के चढ़ के। और ये विशाल वृक्ष काटने को दौड़ता है, यह पेड़ खतरनाक पेड़ है। ये भले ही देखने में आसान लग रहा हो लेकिन असल में आसान नहीं है, यहाँ तक चढ़ने के लिए हजार बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मेरे जैसे मोटा और हट्टा तगड़ा आदमी ही ऐसा कर सकता है। तो हम लोग अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, लगभग पहुँचने ही वाले हैं। और इनका पत्ता जो चौड़ा 10 फीट लंबा है, इनका पत्ता लिखा भाई झूम करके, चना मुर्रा की तरफ बीतते हैं बच्चा। ये है पत्ता, ये पत्ता है, ये कोई आम पत्ता नहीं है, ये है शाही पत्ता। इसको खाने के बाद तेजी कम हो जाता है और इसे खाने के बाद युवा जवान हो जाते हैं, और चीची को ऐसे खुदियाने में भी काम आता है। खाने के बाद युवा जवान हो जाते हैं, हाँ ये इसको खाने के बाद युवा जवान हो जाते हैं, ऐसा कहने हमारे सहयोगी मिस्टर पांडे है, तावड़े भी बोलते हैं इसको, तावड़े प्यार से बोल देते हैं।
पेड़ के कुलों के बारे में और अधिक जानकारी देंगे भारत में। हमें कौन सा ट्रेन करना है यार तोर काम में भाई, ये पेड़ नहीं भारत का तोर पे एक खाने के काम आता है इसका फर, जिसे कुआ बीजा कहते हैं। एला कुचरे से अंदर में जो चिरौंदी निकलते वो लोग प्यार से खाते, लेकिन पत्ता से नांगा बाबा मन छाला बन नांगा बाबा मन के छाये बनाए काम आते, और गोठली के गुठली लग खा के दाद ला तोड़े काम आते। केरा खा कहते यार केरा खाए से विश्वास जगाते मन में।